हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मनचाओ व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरीके से भी फ्रॉड होता है आजकल इंडिया में। मेरे पापा जो हैं वो कल क्रोमा के एक शोरूम में गए थे। क्रोमा के शोरूम में उन्हें एक रेफ्रिजरेटर लेना था, उन्होंने उसके लिए बात किया एक फाइनेंस वाले से, ईएमआई पे लेना था हमें इसलिए। और जब भी ईएमआई पे लेना था, उन्होंने उस बंदे को ये बोला कि मेरा सिबिल स्कोर कितना है, चेक करके बताओ कि मैं कितना ईएमआई पे ले सकता हूं, मतलब रेफ्रिजरेटर को। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उनको बोला कि आपका पॉसिबल हो सकता है ईएमआई मिल जाएगी 1 लाख समथिंग समथिंग। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद बोला कि आपका आईडी प्रूफ दीजिए। आईडी प्रूफ को उसने किसी वेबसाइट पे फीड किया, देन उसको उसने क्या किया कि बेसिकली उसने एक क्रेडिट का अकाउंट खोल दिया, ओटीपी मांगा, ओटीपी दे दिया, और फिर क्या हुआ, क्रेडिट का मैसेज आया कि भाई थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अब उस बंदे ने ये चीज क्या किया पता है, बिना बताए किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है पता है, अगर उसके पास डिटेल्स है, उसके पास आईडी पासवर्ड है, वो कहीं पे भी आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है। इस तरीके से भी फ्रॉड होता है आजकल दुनिया में। इसके लिए आपको बता रहा हूं कि भाई अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स फैमिली, उनको ये चीज शेयर करो, उनको बताओ कि इस तरीके से भी फ्रॉड होता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से जाके उनको बताओ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम था मनोज, आप देख रहे हैं मनचाओ व्लॉग्स। तो अगले वीडियो में कुछ मेरी कुछ आपकी बात करेंगे, और जरूर आप अपने फैमिली को इस चीज को शेयर कीजिए।